तो गाइस स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लर्निंग लाइसेंस रिलेटेड जो भी सवाल होते हैं या क्वेश्चन होते हैं वो कैसे हम लोग करते हैं, वो सब कैसे आता है। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है स्क्रीन टेस्ट 84 लर्निंग लाइसेंस, मतलब आप अपना ऑनलाइन टेस्ट जो है मतलब कैसे दे सकते हैं। आप फीस कटाने के बाद जो आपकी एप्लीकेशन होती है वो आप यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद जो है आप कैप्चा यहाँ पर इसमें डालकर इस आपका जो है टेस्ट जो है शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप इसमें टेस्ट देने से पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपनी क्रोम की यहाँ पर वेबसाइट पर लिखना होगा परिवहन। उसके बाद ये देखो परिवहन की ऑप्शन वेबसाइट आ गई और यहाँ पर आपको मिल रहा है ये लर्निंग लाइसेंस भी। जैसे आप क्लिक करेंगे के बाद आपको यहाँ पर करना है मॉक टेस्ट सीरीज लर्निंग लाइसेंस। इसमें क्या करना है, आपको कोई भी नंबर एक इसमें आपको इसमें डाल देना है। डालने के बाद क्या है, आपको यहाँ पर कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, ये फिर आपको जो है यहाँ पर हिंदी आपको सेलेक्ट कर लेनी, जो भी आपका स्टेट है इसमें कोई भी स्टेट इसमें कर सकते हैं। विद ऑडियो आपको सुनना है या फिर विदाउट ऑडियो सुनना है, आपको क्या करना है इसमें फिर इसको जो है साइनिंग इसमें ओपन मतलब कर लेना है इस तरीके से। वहाँ पर आप नाम लिखेंगे, नाम के बाद आपको क्या करना है इसमें साइनिंग करना है, चैरेक्टर ओनली इसमें बोला है। तो इसमें तो जैसे आप इसमें लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन देगा, मतलब आप इसको फ्री में ही इसमें कर सकते हैं। मतलब आप पहले आप अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए और यही सेम टू सेम क्वेश्चन जो है आपके उसमें रिपीट होते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो है यहाँ पर इसमें ये सेकंड चलते हैं, मतलब 30 सेकंड में आपको जवाब देना होता है। तो इस तरीके से अब इसमें देखो यहाँ पर लिखा है आप पंजीकृत वाहन को सार्वजनिक स्थान पर चलाना चाहिए है, तो आपको क्या करना, सार्वजनिक चलाना नहीं चाहिए, मतलब वो क्या है, वो अवैध है। जैसे वो अवैध है मतलब अनरजिस्टर्ड। फिर यहाँ से यहाँ पर ये सवाल होगा कौन सा चिन्ह दर्शाता है कि आप सीधे या बाएं और मुड़ाएं, या फिर सीधे और दायां ये होता है, फिर बायां ये होता है। तो आपको ये वाला मेरे ख्याल से ये है, तो आप इस पर प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो ये आपको दिखाता चला जाएगा इस तरीके से। आपको इसमें 2-4 बार जब आप इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको जो है कोई भी इसमें प्रॉब्लम आने को नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अगला सवाल है, जब वाहन चालक परिवहन चलाए तो उसे सदैव अपने हाथ रखने चाहिए पंजीकृत प्रमाण CRP पर बीमा स्थान पर। जब वाहन चालक वाहन चलाए तो उसे पंजीकृत प्रमाण CRP बीमा स्थान पर, इनमें से कोई नहीं प्रमाण पत्र व टोकन बीमा प्रमाण पत्र, मतलब उसको जो है सभी वो रखनी चाहिए। तो आप इसमें इस तरीके से कर सकते हैं, मतलब GRCR रखना चाहिए। तो आप अगर कोई क्वेश्चन इसमें गलत भी कर देंगे तो ये आपको बताएगा कि आपका जो है इसमें करेक्ट कौन सा है। अभी देखिए ये कह रहा है कि ये चिन्ह प्रदर्शित करता है, ये चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, ये कह रहा है 2 किलोमीटर की गति से, ठीक है, ऐसे वाहन की प्रवेश जिनकी चौड़ाई 2 मीटर से अधिक है, जिनकी ऊंचाई है। तो ये कह रहा है कि दो ऐसे वाहन जिनकी 2 मीटर से अधिक मोटाई है तो वो यहाँ पर नहीं जा सकते। मेरे ख्याल से इसको सबमिट करता हूँ, तो देखो मेरा आंसर जो है करेक्ट हो गया। इसी तरीके से आप अपना जो है इसमें टेस्ट सीरीज कर सकते हैं, मॉक कर सकते हैं और अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद आप फिर अपना आंसर दें, तब आप कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, कौन सा चिन्ह बताता है कि ओवर जो है ओवरटेकिंग जो है निदेश है, तो ओवरटेकिंग वाला चिन्ह ये है, ये वाला। तो आप इसमें करते रहेंगे तो ये आपको इसमें बताता रहेगा। यहाँ पर अभी देखिए यहाँ पर ये प्रदर्शन करता है, ये क्या है, हॉस्पिटल है, मतलब ये वाला जो चिन्ह है ये हॉस्पिटल का है। तो इसका क्या है, आप इस पर करें और इस तरीके से जो है आप इसको करते रहेंगे तो सॉरी इस वाले पर क्लिक होगा, अस्पताल वाले पर होना था। तो ये देखिए कौन सा जो आगे की सड़क जो है संकरी है, तो इसमें आप भी जो है कोई सा भी इसमें सिलेक्ट कर दें, अगर आप गलत सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको जो बता देगा, देखो ये ग्रीन हो गया, इसका मतलब मेरा आंसर जो है सही है, ठीक है ना। इतना सब करने के बाद जो है आप अपना स्कोर इसमें चेक कर सकते हैं। फिर आपको अगर समाप्त करना होगा तो यहाँ से आप इसमें समाप्त कर देंगे और आपका जो स्कोर यहाँ पर जो है एंड टू एंड दिखाएगा। तो इस आपको इस तरीके से कर सकते हैं। और अपना जब आप टेस्ट देने जाते हैं तो यहाँ पर आएंगे आप लर्निंग पर आने के बाद यहाँ पर आएगा इंस्टॉल मॉक टेस्ट, और फिर जो आपकी एप्लीकेशन नंबर है वहाँ पर एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद कैप्चा इसमें आप यहाँ पर डालेंगे और सबमिट करेंगे। तो यहाँ आपका वेरीफिकेशन होने के बाद जो है कंप्लीट आपका टेस्ट हो जाएगा। और जो ये मैंने सवाल आपको बताए हैं इसी तरीके से आपका जो है सवाल होते हैं और आप उसमें जो है उसमें कर सकते हैं, तो वो आपका हो जाएगा। तो आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पर जो है आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करके इसको यहाँ से करके और अपनी जो है जो भी लैंग्वेज आप चूज करना चाहते हैं स्टेट सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर साइनिंग करेंगे तो आपको यहाँ पर दे जाएगा। मतलब आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद आप एग्जाम दीजिए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।